हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास है यहाँ पे टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई भी चीज अपना स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को चेंज कर सकती है? चलिए देखते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है कि जो वाटर होता है वो मैटर की 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड एज आइस, सॉलिड की फॉर्म में जो है वो आइस की फॉर्म है। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, लिक्विड में आपको पता है वाटर है। गैस एज वाटर वेपर, और गैस अगर स्टेट है तो वो वाटर वेपर होगा। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? जब ये स्टेट चेंज होती है तो मैटर के अंदर क्या होता है? What happens to the particles of matter during the change of state? जो स्टेट में चेंज होता है उसके दौरान जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है? How does this change of state take place? ये जो स्टेट का चेंज हो रहा है वो कैसे होता है? We need answers to these questions, isn't it? हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है क्या नहीं? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का जो अगर चेंज होता है तो उसका क्या असर होगा। एक्टिविटी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। एक बीकर ले, उसमें 150 ग्राम आइस डालें एंड सस्पेंड द लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस एज शो इन फिगर। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, जो थर्मामीटर है वो आप लोगों ने उसके अंदर सस्पेंड यानी कि लटकाना है, और जो उसका बल्ब होगा यानी कि जहां से जैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट होना शुरू होगा वो वाला आइस के कांटेक्ट के साथ आना चाहिए। ओके, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। फ्लेम को लो रखते हुए आप बीकर को हीट करें। तो ये एक्टिविटी का दूसरा पॉइंट है। नोट दी टेम्परेचर वेन दी आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और टेम्परेचर नोट करें जब जो बर्फ है वो मेल्ट यानी पिघलना शुरू कर देगी। नोट द टेम्परेचर वेन ऑल दी आइस हैज कन्वर्टेड इंटू वॉटर। और टेम्परेचर नोट करें जब सारी की सारी बर्फ वॉटर में पिघल जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें जब ये सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होगा। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. अब आपने क्या करना है, एक बीकर में ग्लास रोड को पुट करें और हीट करें, और आपने कंटिन्यूसली वाटर को हिलाना है जब तक कि वो बॉयल करना शुरू ना करते। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज। जब तक कि ज्यादातर पानी जो है वो वेपराइज नहीं हो जाता, आपने थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो बड़े ध्यान से नोट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें उस कन्वर्जन करने के लिए जिसमें आपने वाटर की लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। हमें पता है जब सॉलिड्स की हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी हम लोग हीट के थ्रू सप्लाई करते हैं वो एनर्जी पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है यानी कि उनको तोड़ देती है, आप ये भी कह सकते हो। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल्स अपनी जो जगह पक्की होती है उसको छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और फ्रीली इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। एक स्टेज पहुंच जाती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में बदल जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो ये इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के बीच में होगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। प्रोसेस जो मेल्टिंग का होता है जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड में बदलती है उसे फ्यूजन हम लोग कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, लेकिन हम तो हीट एनर्जी लगातार सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट जा कहाँ रही है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते हुए जब बर्फ मेल्ट हो रही थी टेम्परेचर सिस्टम का नहीं बदलता जबकि मेल्टिंग पॉइंट पहुंच भी चुका है और सब जब तक कि सारी आइस मेल्ट नहीं करती, मतलब आइस मेल्ट होने स्टार्ट होने से लेकर जब तक पूरे का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर, लेकिन हम लोग बीकर को कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, तो हीट एनर्जी लगातार बीकर या आइस को मिल रही है। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इस जो फोर्स लग रही है इसका सॉरी ये हीट जो है वो किसमें यूज की जा रही है, ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए यूज की जा रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन आइस उसको एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं किया जा रहा। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो हीट है ये छुप गई है। ये कहाँ छुप गई है? बीकर के कंटेंट यानी कि बीकर में जो चीज आपने डाली है उसके अंदर कहीं छुप गई है और इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहते हैं क्योंकि इस हीट को हमारा थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट एनर्जी का अमाउंट जो चाहिए ताकि 1 किलोग्राम सॉलिड आपका लिक्विड में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे आप लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हो। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो आपके पास पानी है 0 डिग्री पे और आपके पास बर्फ है 0 डिग्री पे, तो जो वाटर है उसका जो एनर्जी है वो ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऐड हो गई है, लेकिन आइस वहां पे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू वाटर पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम लोग वाटर को हीट एनर्जी देते हैं पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, पार्टिकल की स्पीड और बढ़ जाती है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक पॉइंट पहुंच जाता है जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो एक दूसरे से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे बिल्कुल ही ब्रेक हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन टू गैस, और जो लिक्विड है इस टेम्परेचर पर गैस में बदलना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बॉइल करना शुरू कर देता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, मतलब ये अंदर से मतलब स्टार्ट हो रहा है, सरफेस के ऊपर से नहीं होगा, ये अंदर मतलब लिक्विड के अंदर से शुरू होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 373 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या वेपराइजेशन लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड या वाटर को
हमारे पास मान के जी लिक्विड होगा, टू कन्वर्ट इट इनटू गैस, हमें इसको वेपर या गैस में कन्वर्ट करना है एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट पे उस हीट को वी विल कॉल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डू इट सेम वे एज वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपली यहाँ पे करना क्या है, सॉलिड की जगह लिक्विड कर दो और लिक्विड की जगह गैस कर दो, मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट कर देना है। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस के पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास स्टीम है, तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। दिस इज बिकॉज इन पार्टिकल्स हैव एब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। ये आपको बनाया हुआ है, सॉलिड को लिक्विड बदलना है हीट करो, लिक्विड को गैस में बदलना है फिर हीट करो, गैस को लिक्विड में बदलना है कूल डाउन करो, और लिक्विड को सॉलिड में बदलना है फिर से और ज्यादा कूल कर दो। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो रिजल्ट क्या है, टेम्परेचर बदल के आप मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमने सीखा है कि सब्सटेंस जो हमारे आसपास है वो सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं और लिक्विड से गैस में बदलते हैं जब हम लोग उनको हीट की सप्लाई करते हैं। बट देर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब वो लिक्विड स्टेट को स्किप कर देती हैं। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, या तो कैम्फर ले या अमोनियम क्लोराइड ले, क्रश इट, इसको पीसे एंड पुट इन ए चाइना डिश, और एक चाइना डिश में आपको पुट कर देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर एक फनल रख देनी है इन्वर्ट यानी कि उल्टा करके। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, और जैसे यहाँ पे रूई का प्लग लगाया हुआ है वैसे ही प्लग आप लोगों ने लगा देना है। हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, आप धीरे धीरे हीट करना है और ऑब्जर्व करें। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, क्या देखेंगे आप, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू सॉलिड लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा जिसमें एक जो सॉलिड चीज है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाली जो स्टेज है वो स्किप हो जाती है। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। लेकिन अगर कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है बिना लिक्विड में आए हुए, तो उस प्रोसेस को वी कॉल डिपोजिशन बोलते हैं। यानी कि सॉलिड टू डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन, गैस टू डायरेक्टली सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये प्रोसेस हमें बताया जा रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने सॉलिड सॉल्ट लिया था, लेकिन ये डायरेक्टली इसके वेपर्स बन जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली ये गैस स्टेट में आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमें सब्लिमेशन के बारे में बताने के लिए की गई थी। तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।